क्रिच क्रिच जब तक प्याज से आवाज ना यार, गर्मा गर्म प्लेट के होती है ना बस सुरद्वार वाला बर्गर। अगर मैसी ना हो तो मजा नहीं आता। तो भाजी क्या बनाने लगे हो आप? सर नूडल बनाने लगा हूँ मैं, कॉर्न वाले बना रहा हूँ। ओके हाँ जी सर, थोड़े से स्पाइसी और थोड़े से खट मीठे होंगे। क्या बताओ, फटाफट बनाओ पाजी। और एक अपना नाम बताना क्या आपका? सर मेरा नाम रणवीर सिंह है सर। बॉलीवुड वाले? नहीं नहीं सर, पंजाबी वाले। हाँ पंजाबी वाले, ठीक है सर। हाँ जी, तो फटाफट फिर यार नूडल्स बनाने लगे रणवीर पाजी। अब रणवीर सिंह तो यार बॉलीवुड में फेमस है ही है, पर यहाँ पे भी पाजी ना कोई कम फेमस नहीं है। ये यहाँ के रणवीर सिंह ही है असली वाले। कढ़ाई में आ गया तेल और क्या आया पाजी? सर ये जिंजर गार्लिक पेस्ट है। जिंजर गार्लिक पेस्ट, अब आगे फटेगा बम। ओ भाई साहब, शिमला मिर्च प्याज और पत्ता गोभी डालिए। पत्ता गोभी प्याज शिमला मिर्च आ गई। और यार सब्जियां तो ये कढ़ाई में ऐसा बम चलाया ना पाजी ने, मतलब जैसा रशिया भी यूक्रेन पे चलाने को फिर रहा ना, वैसा बम पाजी ने कढ़ाई में गिराया। सर ये टेस्ट के लिए कॉर्न डाले हैं मैंने। अब ये कॉर्न्स आ गए बीच में। गजब पाजी, चाइनीज बन रहा। और यार वॉक में आग ना बिखेरी जाए, चाइनीज बुरा लगता है। ये बाल्टी भर के पाजी ने नूडल्स रखे हैं और बाल्टी में से नूडल आ गए सीधा वॉक के अंदर। नमक आ गया पाजी, देश का नमक। हाँ जी ठीक है जी। और ये क्या है पाजी? सर ये मिर्च की है अभी हल्की सी स्पाइसी के लिए। पाजी आपकी एज क्या है? सर मेरी एज अभी 18। 18 साल? हाँ जी सर। मात्र 18 साल की उम्र में ऐसा टैलेंट, क्या बात है पाजी। खिंच के पूरा। और ये आ गई रेड सॉस और ये आ गई ग्रीन चिली। ये सोया सॉस आ गई, मेरी पूरी सोया सॉस भी आ गई बीच में। ये सिरका, अब जो रूह को सुकून देने वाली चीज़ है वो चेक करो, नूडल्स का डांस वॉक के अंदर। सारे मसालों का रंग पूरा रंगे है नूडल्स और लुक आ गई एकदम प्यारी। और ये चाइनीज बनाना सीखा कहाँ से आपने? सर जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ, मेरा मेरे ब्रदर का ना एक फ्रेंड है। ओके सर, वो भी उनको भी बड़ा शौक है खाने पीने का, तो वो कहते हैं यार मैं तेरे साथ ही काम करना शुरू कर दूँ। तो एज ए फ्रेंड सर वो मेरे साथ काम करते हैं, उन्होंने मेरे को ये सिखाया। तो यार सही है, हमारे दोस्तों ने तो हमारी फेसबुक पर आई डी बनाई है, पर इनके दोस्तों ने इनको नूडल बनाने सिखा दिया, वो बड़ी सही बात। क्या बात है, जबरदस्त यार। गर्मा गर्म प्लेट के अंदर इस वक्त प्लेट के अंदर और हमारे मुँह में ढेर सारा पानी। और जो एक्चुअल नूडल खाने का मजा ना वो ऐसी डिश प्लेट के साथ ही है। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। वो फैंसी रेस्टोरेंट में प्लेट्स में जो मिलता है ना उसमें स्वाद कहाँ जो इसमें आएगा। टिक्की भाजी एकदम गोल और हट्टी कट्टी, आपकी वो क्या राज है? कड़ा शेप है। अच्छा ये ना बस गुरु देखे गए हैं। अच्छा काफी काफी काम मानते हैं। एक बार दिखाना इसी कड़े से ये टिक्की की शेप आई हुई है। ਇਹ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਸਰ ਸੁੱਚਮਤਾ ਪੂਰੇ ਧੋ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਹੋ ਗਏ ਹੱਥ ਵਾਸਤੇ, ਘਰ ਵਾਸਤੇ ਸਰ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਦੋ ਤਿੰਨ ਸੈੱਟ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਕੜੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਫ ਵੀ ਕਰਨਾ ਕਰੋ ਕੜੇ ਕੋ। ਜੀ ਜੀ, ਬਚਾ ਵੀ ਬਥੇਰਾ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨੇ ਕੇ ਕੰਮ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਤੋ ਆਪਣਾ ਗਾ ਲਓ ਪਰ ਕਿਸੇ ਕੇ ਮੂੰਹ ਉੱਪਰ ਮਾਰੋ ਜਾ ਕੇ। ਐਸੇ ਬਾਸ਼ ਐਸੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਜੋ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਜਿਹਾ ਲੈਂਦਾ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ, ਆਪਣੀ ਰੱਖਿਆ ਚ। ਹਾਂ ਜੀ, ਸੈਲਫ ਡਿਫੈਂਸ। ਸੈਲਫ ਟਿੱਕੀ ਆ ਗਈ ਭਾਜੀ ਕੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੜੇ ਵਾਲੀ। भाई टिक्की में स्टफिंग किस किस की चीज़ की होती है? सर आलू की और अपने मसालों की। आलू और मसाले और टिक्कियाँ जितनी भी है ना यहाँ पे एक ही साइज़ की है परफेक्ट, क्योंकि वो बनाते भाजी कड़े के अंदर। नूडल्स आ गए, कॉर्न्स प्याज शिमला मिर्च भर भर के नूडल्स के अंदर डाले हुए हैं। अब ये टावर तैयार हो रहा है हमारा बर्गर का। टिक्की में नूडल्स, घर की सॉस, टिक्की घर की बनी हुई, क्रीम सैलड आपने यहाँ पे फ्रेश बनाया है, ऑलमोस्ट सब कुछ घर का है और हेल्दी होगा। हाँ जी सर, ऑलमोस्ट फ्रेश ही रहता है अपना, जैसे कि जो आज बच गया वो कल यूज़ नहीं होगा। जी अभी यहाँ तक आपको नॉर्मल लग रहा होगा सारा कुछ, बिल्कुल नॉर्मल बर्गर बर्गर नूडल वाला। पर ये पंजाबी बर्गर नॉर्मल तो कतई नहीं है यार, ये जो बन के आएगी ना चीज़ वो आपको पता लगेगा। ये पाजी कहते हैं मेरा पर्सनल फेवरेट है ये बर्गर, पाजी यहाँ पे खाते हैं। पाजी कितने खाए थे बर्गर ये वाले?
ये वाला जैसे कि एक ये वाला खा लिया उसके बाद एक पिज्ज़ा हो गया अपना रोज़ का। सही है। तो पाजी का कहना ये है यार, अगर मैं खा रहा हूँ ना, मतलब अपनी दुकान का माल जैसा लोग कहते हैं कि दुकानदार खाता नहीं, पर पाजी कहते हैं मैं हर रोज़ कुछ ना कुछ अपनी दुकान का खाते ही फिक्स है मेरा। ये पाजी ऊपर टॉप तैयार हो रहे हैं। हाँ जी सर। सही है जी। अरे क्या बात है पाजी, ये स्टाइल बड़ा सही लगा है। सीधा सैलड के अंदर बर्गर डिप किया, सैलड ऊपर लग के आ गया और बर्गर सीधा ऊपर, इसलिए उसको क्या थोड़ा थोड़ा लगेगा क्योंकि नीचे भी सैलड है ना, तो सभी कहते हैं ज्यादा प्याज प्याज हो जाएगा, इसलिए कम कम डाला थोड़ा। पोर्शन बराबर रहेगा टेस्ट। हाँ जी, जैसे प्याज खाते हैं हम पंजाबी, तो क्रिच क्रिच, जब तक प्याज से आवाज ना आए तब तक प्याज प्याज क्रिच 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 क्रिच। तो इस क्रिच क्रिच की आवाज से फटाफट सब्सक्राइब दबा देना, वो भूलना मत। अब चाँप आ गई है बीच में, चाँप इतनी ज्यादा ओवरलोडेड है ना, मेरे को तो लग रहा है यार ये चाँप रुमाली रोटी के साथ खाने का भी बड़ा मजा। अब पाजी कह रहे हैं ये भी खाते हैं और साथ में पिज्जा भी खाते हैं। अब मेरे को लग रहा है पाजी जो आपने अपना जो भार बढ़ाया बढ़िया, वो इसके साथ ही बढ़ाया। साथ से मेरा वेट कितना होगा सर? होगा 80-85 सर। आपके हिसाब से 80-90 के राउंड होगा सर। नियर अबाउट 110 किलो। क्या बात है, क्या बात है। ये शक है अंदर कंडा पड़ा, आपको तोल के दिखा। नहीं नहीं पाजी, कोई शक नहीं, कोई शक नहीं, पर यार आपका जैसा वेट है उस हिसाब से स्पीड तो बड़ी कमाल है पाजी। फिर तो इस ये चीज़ पक्का प्रूव होती है कि आप कुछ टेस्टी बनाते होगे जो आप खुद ही खाए जा रहे हो। अरे वाह यार, अब ये चेक करो शर्मा जी, जो मेन माल मसाला है ना वो ये है। तंदूरी से पूरा नहला दिया और ऊपर आ गई मेयो। क्या बात है, क्या बात है। अभी सर थोड़े दिनों में नया बर्गर लेके आएंगे, क्लॉक टाउन बर्गर। क्लॉक टाउन? हाँ जी सर। उसमें क्या होगा सर? सर वो आपको तब बताएंगे ना हम, जब आएगा। स्पेशल सस्पेंस रख रहे हैं पाजी पूरा। अब यार वो सिंगापुर में एक बिल्डिंग है ना, वो ट्विन टावर्स बोलते हैं जिनको, ये मुझे वो लग रहा है यार, उतने बड़े बड़े दो बर्गर ट्विन टावर्स के जैसे। तो ये है हमारे सामने यहाँ के शानदार लाजवाब नूडल, और ये बने कैसे हैं, कैसे धुआंधार मेकिंग हुई है इसकी, एक बार ही आप वो देख लो, याद कर लो। आपको क्लिप अभी आपके स्क्रीन के सामने शो हो रहा होगा। जी हाँ बिल्कुल ऐसा ही हुआ हमारे साथ, और ये धुएं देख रहे हो एक बार। हमें कोई गम नहीं है कि हम बर्गर नहीं खा रहे, बाकी लोगों ने हमारे साथ चीटिंग करी है। शब्द मुंह से बाहर आते आते रह गए, वो नूडल के साथ अंदर वापस चले गए। टेस्ट इज़ सो गुड, इतना नज़ारेदार मज़ेदार लाजवाब स्वाद है, और सबसे बड़ी बात है क्वांटिटी, इतने से प्राइस में आपको इतनी क्वांटिटी मिल रही है, गर्मा गर्म फ्रेश नूडल एकदम बढ़िया। बाकी आप यहाँ पे आओगे खाओगे तो आपको पता चलेगा, तो ये टेस्ट ज़रूर करना। चाहे ये चीज़ देखने में बड़ी कॉमन लग रही है, बट टेस्ट लाजवाब है। अब ये बर्गर का गुलदस्ता ना, मतलब बुके पाजी ने बना के दे दिया एकदम रैप करके, और ये देखो एक निचली लेयर सैलड टिक्की नूडल्स, फिर लेयर, फिर ढेर सारी मेयोनीज, फिर टिक्की, फिर चाँप। मतलब इसको ना बोलते हैं हैवी ड्यूटी डबल डेकर जट बर्गर। अब पाजी हैं 18 साल की उम्र में हैवी लोडेड सामान बना रहे हैं, और पाजी ने हैवी लोडेड सामान के साथ वेट भी हैवी लोडेड कर लिया अपना। मतलब जितनी भी चीज़ें वो बनाते हैं उनकी फेवरेट है खुद की। हाँ, अब मुझे लग रहा है पाजी वेट मैं भी लगता है कुछ पाजी जितना तो नहीं, पर 2-4 किलो तो इस बर्गर के बाद लेके जाने वाला हूँ अपने साथ। फटाफट बर्गर करते हैं जी टेस्ट। अब नूडल वाला बर्गर अगर मैसी ना हो तो मज़ा नहीं आता, मूछों पे ना लगे। शर्मा जी की है नहीं इसलिए बर्गर नहीं खाया, मेरे को दे दे क्योंकि मेरी मूछें लगेगा बर्गर से। मैंने तो बर्गर मांगा था, ये देख लो सच का सामना। बस बस मांगता तो सब, हर कोई किसी ना किसी से कुछ ना कुछ है। फटाफट आओ बर्गर पे। पाजी एक बार चेहरा घुमाएं, ये सुंदर चांद सा रोशन चेहरा। ओ बर्थडे के कहिए, पहला स्वाद है भाई, मिर्च बहुत है, स्पाइसी है ना, जो सॉस डाली है उसका स्वाद है पहली बार में।
टिक्की कमाल है, मतलब यार ये वैसा बर्गर है, मतलब समझ रहे हो ना कैसा बर्गर है, पूरा लोडेड 15-20 मिनट लगा के आराम से यहाँ पे बैठो कुर्सी पे खाओ और पूरा पेट भरते जाओ।